हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा, अपने चैनल रेखा द स्मॉल वर्ल्ड में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोग सबको पता है, अभी मैरिज सीजन चल रहा है और बहुत सारी शादियाँ आसपास हो रही हैं, रिलेशन में हो रहा है, अपार्टमेंट में हो रहा है, तो बस उसी को अटेंड कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। तो कुछ क्लिप्स जो है उन शादियों के आपके लिए भी मैं, तो आप देखिए और एंजॉय करिए। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, maybe I can take. और बस ये कुछ मैंने सामान मंगवाए थे ऑनलाइन, अमेजोन से ही मंगवाया इसे। ये हैवी वेट आयरन है, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। 799 इसका प्राइस पड़ा है। और मैं मतलब कि सोची थी कि बहुत सारा मतलब जींस वगैरह जब प्रेस करती हूँ ना, तो वो उतना अच्छा प्रेस नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि उन्हें हैवी वेट आयरन ले करके देखा जाए। और इसको मैं ले ली, और इसको मैं ले जा रही हूँ अभी जमशेदपुर, क्योंकि अब तो हस्बैंड वहीं रहते हैं। आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते होंगे शायद पता होगा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वो भी टाटा चले गए हैं, वहाँ घर वर ले लिए हैं। मैं भी जा रही हूँ, घर सेट करके फिर आऊँगी। तो बहुत सारा सामान मैंने वहाँ के लिए भी ख़रीदा है। ये आयरन भी देखती हूँ कहाँ रहेगा, यहाँ या वहाँ, सोच करके भी मतलब बताऊँगी आप लोगों को, आप लोग समझ ही जाएंगे। और उसके बाद और ही मैंने बहुत सारा सामान मंगाया, इसको मैंने पैक ही रखा है। जब वहाँ जाऊँगी ना तो उसको अनपैक करूँगी, तो वीडियो उसका डाल दूँगी। तो मैं थोड़ा सा प्रेस करके चेक कर लेती थी, क्योंकि फिर रिटर्निंग में प्रॉब्लम हो जाता है। हमने ना अमेजोन से एक कार का अपने MG का कवर मंगवाया था, वो छोटा निकल गया, और ये लोग चेक करने में करीब 12-13 डेज़ के बाद वो पैकेट ही खुला, तो रिटर्न का पीरियड भी ख़त्म हो गया था। इसलिए मैंने सारा कुछ चेक कर ले रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो रिटर्न मार दूँगी इसको। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुस्की का मैंने जींस आयरन किया तो काफ़ी अच्छा से आप देख सकते हैं। और दूसरा ये मैंने पूजा के लिए जो घंटी होती है ना वो मंगवाया है, क्योंकि वहाँ भी तो मतलब भगवान का थोड़ा छोटा सा अरेंजमेंट करना होगा, तो छोटा सा मैंने पूजा का सारा सामान तो था मेरे घर में, दो दो तीन तीन चार चार पीस मैंने ले लिया है, लोटा ग्लास थाली भगवान का। और लेकिन घंटी मतलब एक्स्ट्रा नहीं था, तो ये मैंने मंगवाई है। मुझे पड़ा 299 में, और मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा, क्योंकि यहाँ भी जो था ना इससे बड़ी घंटी मिल जा रही थी इतने 300 में। लेकिन मैं मंगवा ली तो मैं रिटर्न नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था फिर खरीदने जाने का। इसलिए इतना सारा सामान बिखरा पड़ा है। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ऐसे ही मैंने बिखेरा है या कुछ काम है? तो नहीं नहीं कुछ काम है। मैं अभी ले जा रही हूँ सारे जो पुराने पर्दे हैं ना, वो सब की पैकिंग कर रही हूँ, और बेडशीट वगैरह, पिलो कवर, और छोटे छोटे जो गदेले थे मैंने खुद ही सिलाई किए थे बेडशीट या जो पुराने कपड़ों से मिला करके। तो यहाँ तो बहुत सारा पहले से ही गद्दा वद्दा है, तो वहाँ मैं ले जा रही हूँ, शायद वहाँ कुछ यूज़ हो जाए, और यूज़ हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फर्नीचर्स तो है नहीं, सब कुछ नया नया मतलब ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, तो ये सब काम आएंगे। तो वही सब मैं पैकिंग कर रही हूँ, पर्दे, उसमें नेट के भी पर्दे हैं, कपड़े वाले भी दोनों। तो देख ले रहे हैं कितना सारा सामान ले जा रही हूँ मैं, जितना भी मेरे कार में आ जाएगा मैं ले जाऊँगी, फिर नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा जो भी बचा खुचा रहेगा। कोशिश तो कर रही हूँ कि सारा सामान इसी बार ले जाऊँ, ताकि घर अच्छे से अरेंज हो जाए। मुझे दोबारा फिर मतलब इतना सारा सामान, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, आगे वीडियो में दिखाती हूँ क्या क्या सामान मैं ले जा रही हूँ। ये छोटे छोटे मैंने कुशन भी ले लिए हैं, क्योंकि वहाँ सोफ़ा नया आया है, तो फिर वो कुशन तो होगा नहीं, तो सोच रही हूँ कुछ ले लेती हूँ, तो कलरफुल घर लगेगा।
मतलब सुंदर लगेगा, बहुत सारा मतलब सामान नहीं है तो जितना है उसी में थोड़ा सुंदर वंदर लगे इसी कोशिश कर रही हूँ। और देखिए सारा मतलब सामान पैक हो गया, दो थैला यहाँ और उस रूम में पड़ा हुआ है, करीब करीब 4-5 थैला, गैस, आयरन, बहुत सारा सामान। चलिए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये सारे बर्तन और ये टब और ये सारे मतलब पर्दे और पता नहीं क्या क्या कपड़ा वपड़ा बहुत सारा, ये गैस है, आयरन भी है, ये आटा वाटा सब ले जाएंगे और ये बहुत सारे पिलोज जो वहाँ ले जाना है और ये सारा किराने का सामान है, मच्छरदानी है और देखिए क्या क्या बताऊँ मैं, बहुत सारा सामान है। मतलब वहाँ जब फिर जाऊँगी तो बताऊँगी। और ये सुबह सुबह का समय है आज, तो आज ना मतलब कल निकलना है तो मैंने सारा जो सब्जी वब्जी वो सब ख़त्म कर दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं घर में, तो जो बचे हुए हैं तो मैंने थोड़ा सा दूध का पनीर निकाल लिया जो ओजस का हो गया, ओजस के लिए मैंने पनीर चिली बना दिया और 3-4 मेरे पास बचे हुए थे पटल, तो मैंने आलू पटल की भुजिया बना दी तो मुस्की का हो गया। तो इस तरह से मैं काम चला रही हूँ, मतलब जितना कम में हो सके काम चल जाए ताकि मुझे खरीदना ना पड़े, फिर जो भी बचेगा मुझे फिर वहाँ ले जाना पड़ेगा जो मैं चाह नहीं रही हूँ। तो बस सुबह सुबह इसी में लगी हुई हूँ, दोनों को स्कूल भेजना है और उसके बाद फिर अपना काम करना है, पैकिंग वैकिंग करके क्लियर कर देना है, छोटा मोटा सामान लाने के लिए बाजार भी जाना है। और मौसम 3-4 दिनों से इतना ख़राब हो रहा है ना कि मेरा सारा जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया शॉपिंग वगैरह का, तो आज मौसम थोड़ा ठीक है तो आज निकलूँगी और ताकि सारा मतलब जो भी बचा खुचा है वो काम हो जाए। तो देखिए ओजस का पनीर चिली रेडी हो गया है और बहुत कम बना था क्योंकि सिर्फ ओजस के लिए ही बनाया था, था नहीं, और ये भुजिया लेके चला गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है मैं खा लूँगी। फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा ना, छोटा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।